इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक ऑफिस का रियल सीन दिखाना चाहूंगा ये जो मैडम जी यहाँ पे बैठे हैं इनको इनके बॉस ने कुछ प्रिंट आउट्स निकालने के लिए कहा था और इन्होंने प्रिंट आउट्स निकाले बॉस ने आके चेक किए और वो सारे गलत थे तो फिर उनको बॉस से बहुत सारी डांट पड़ी और बॉस ने कहा कि गेट आउट फ्रॉम दिस ऑफिस अगर आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ मतलब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनली प्रिंट करना नहीं पता तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपने प्रिंट ऑर्डर दे दिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो सभी ऑर्डर्स आपको नहीं चाहते और गलती से ऑर्डर हो गए तो वो कैंसिल कैसे करने है एट ए टाइम उसे प्रिंट नहीं होने देना है तो उसे कैसे कैंसिल करना है ये आपको नहीं पता तो ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं साथ ही में मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाला है ये आप देख सकते हैं एक ही पेज पर पे मैंने चार प्रिंट्स निकाले हैं ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं आपको दिख रहा है तो एक ही पेज के ऊपर चार पेजेस हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट बैक टू बैक कैसे कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर पेजेस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे प्रिंट किया जाता है प्रिंट से रिलेटेड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेटिंग डायलॉग बॉक्स आता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा डेफिनेटली आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रिंटिंग कैसे करते हैं और वो भी प्रोफेशनल लेवल पे प्रिंटिंग कैसे करते हैं तो चलिए सीधी बात नो बकवास मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं यह वीडियो शो करते हैं खास लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा नहीं मजाक कर रहा हूं यार चाय नहीं पीना है नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना उसे क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनल प्रिंटिंग और आप सोच रहे हैं कि यार इतने सारे ऑप्शन जो दिए इसका यूज़ क्या है ओरिएंटेशन क्या होता है मार्जिनस क्या होता है ये कॉलेट प्रिंटिंग अनकॉलेट प्रिंटिंग क्या होता है ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू देखते जाइएगा वीडियो जो एंड तक देखेगा वही मास्टर बनेगा सही है ना तो जरूर एंड तक देखिएगा आप और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कंप्यूटर पर सो so, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम प्रोफेशनली प्रिंट कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया और यहाँ पे कुछ एक मेरी फाइल ओपन की है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए कंट्रोल पी प्रिंट के लिए शॉर्टकट की है आप नहीं चाहते कंट्रोल पी तो फाइल में जाकर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आपको मिल जाता है ये देखिए फाइल में जाकर प्रिंट ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रियो आने वाला है ओके okay, तो ये प्रिंट प्रीव्यू है आपका पेज पूरा प्रिंट इस तरह से होगा ऑफ कोर्स आप अपने पेज में जो भी कंटेंट टाइप किए वो डिस्प्ले हो जाएंगे यहां पे आप इससे जूम करके देखना चाहते हो तो यहां पे सबसे पहले मैं बताऊं प्रीव्यू को जूम करना है तो यहाँ पे छोटा सा प्लस आ रहा है दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे छोटा सा प्लस, प्लस कॉर्नर पे आ रहा है इस पर क्लिक करके आप जूम कर सकते हैं और माइनस आ रहा है उस पर क्लिक करके आप आउट कर सकते हैं अगर आप प्रिंट प्रियो को जूम करना चाहते हैं तो दैट इज अप टू यू प्रिंट प्रियो अगर आपको देखना है जूमिंग में तो नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको राइट पैनल में ये प्रीव्यू दिख रहा है अब हम लेफ्ट पैनल में आते हैं और यहाँ पे ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जैसे प्रिंट या प्रिंटर सेलेक्ट करना वगैरह ये हम बाद में देखते हैं और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि पेज का ओरिएंटेशन पेज की साइज और मार्जिन इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि ये आपके पेज को पहले सेट करता है प्रॉपरली प्रिंट के पहले तो पेज कैसे प्रिंट करना है आपको वो डिसाइड करना है आपको पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल पेज ये लंबा पेज आ रहा है सो लंबा पेज प्रिंट करना है या चौड़ा तो मुझे लैंडस्केप प्रिंट करना है मैं लैंडस्केप रखूंगा ये चौड़ा हो जाएगा लेकिन आपके कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आधे कंटेंट तो नहीं आ रहे वो कंटेंट कहाँ पे चले गए आप पेज नंबर टू पे जाके देख सकते हैं ये पेज नंबर टू पे है सो पेज नंबर वन पे इतने कंटेंट आ गए पेज नंबर टू पे ये कंटेंट आ गए अब ये टाइटल क्यों आ रहा है रिपीट और ये बॉटम में क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने ये हेड एंड फुटर में डाला है हैड एंड फुटर आपको पता ही होगा राइट right? तो हेड एंड फुटर में अगर आप डालेंगे तो ये टाइटल और बॉटम पेज रिपीट होते रहेगा तो अभी मैं पेज नंबर वन पे क्लिक करता हूँ ये देखिए पेज नंबर वन पे इतना आएगा पेज नंबर टू मैंने यहाँ पे लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन रखा है इसके लिए ऐसा आ रहा है अब ये ओरिएंटेशन आप तभी रखिए जब आपको कुछ टाइम टेबल जैसा कुछ प्रिंट करना है या हॉरिजेंटल डेटा यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है राइट आपको हॉरिजेंटल पेज मिल रहा है ना तो चौड़ा पेज मिल रहा है तो उसमें कुछ डेटा वैसे है तो आप ये पेज रखोगे नहीं तो आप पेज सेटिंग में पोर्ट्रेट रखिए तो पोर्ट्रेट मतलब क्या आपको समझा होगा लंबा पेज वर्टिकल पेज राइट ये याद रखिए दूसरा अब यहां पे साइज आ रही पेपर की ए फोर साइज यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है ए फोर साइज की जगह अगर आप यहां पे देखेंगे तो और साइज भी आ रही है जैसे आपको दिखाई दे रहा है लीगल साइज है एग्जीक्यूटिव साइज है ए फाइव साइज है लेटर साइज भी है तो ज्यादातर तो ऑफिशियल आजकल ए फोर साइज ही यूज हो रहे है ओके यहां पे देख रहा आपको ए फोर की साइज क्या है एग्जैक्टली ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर अगर आप लेटर चाहते हैं तो लेटर साइज भी यहाँ पे ले सकते हैं लेटर साइज लेंगे तो क्या हो रहा है आपके पास वापिस दो पेज आ रहे हैं अभी क्योंकि लेटर थोड़ा सा हाइट में छोटा है एज कंपेयर टू ए फोर देखा दे रे ना तो यहाँ पे कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चले जा रहा है थोड़ा सा कंटेंट इसलिए एक और पेज ऐड हो गया जो एक ही पेज का कंटेंट था वो दो पेज पे चला जा रहा है लेटर की वजह से लेटर में थोड़ा सा हाइट कम है इसलिए मैं ए फोर रख रहा हूं ज्यादातर तो ऑफिशियल में ए फोर रखा जाता है आपको कोई और साइज के पेज में प्रिंट करना है तो आप यहां पे इसे रख सकते हैं पेज साइज यहां पे आती है चलो पेज साइज के बारे में आपको समझा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर लिया तो अब बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ यहां पे देखिए नॉर्मल मार्जिन करके ऑप्शन आ रहा है तो नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक कीजिए नॉर्मल मार्जिन दिखाई दे रहे हैं आपको फिलहाल ये सेंटीमीटर में सभी मार्जिन दिखाई दे रही है आप इंचेस में चाहिए तो इंचेस में भी डिस्प्ले कर सकते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना पड़ता है तो उसके लिए करना क्या है सेटिंग्स में मैं आपको बताता हूं यहाँ पे आप ऑप्शन में क्लिक कीजिए ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको एडवांस में जाना है ये देखिए एडवांस एडवांस के अंदर स्क्रॉल कर लेना है नीचे स्क्रॉल कर लेना है और सेंटीमीटर्स की जगह आप इंच स्केल सेट कीजिए देखिए शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा शो मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ इंचेस इंचेस रखा मैंने और ओके किया अब अगर आप कंट्रोल पी करते हो तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मार्जिन अभी आपको सेंटीमीटर में नहीं इंचेस में आ रही है ये जो डबल इन्वर्टर कोमा दिख रहा है ना आपको वो इंचेस का होता है तो यहां पे फिलहाल नॉर्मल मार्जिन आपको दिखाई दे है। रहा है मैंने नॉर्मल मार्जिन सेट रखा है और सेट बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही रहता है अगर आप नैरो मार्जिन करते हो तो होता क्या है आप देखेंगे नैरो मार्जिन में मार्जिन होता क्या है? मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं पता है तो पहले ये जो लेफ्ट साइड में स्पेस आ रहा है टॉप में स्पेस आ रहा है राइट right में स्पेस आ रहा है बॉटम में स्पेस आ रहा है ये सब होता है मार्जिन अगर आप मार्जिन कम करना चाहते हैं तो आप लेआउट में यहाँ पे देखिए लेआउट में जाकर भी लेआउट में जाकर भी मार्जिन में जाकर यहाँ से भी कम कर सकते हैं यहाँ पे मैं कम करके दिखाता हूँ आप अगर नैरो मार्जिन रखते हैं तो देखिए यहाँ पे नैरो मार्जिन में क्या हो गया जीरो पॉइंट फाइव ये जीरो पॉइंट फाइव खाली इतना ही मार्जिन है जीरो पॉइंट फाइव और नीचे भी जीरो पॉइंट फाइव इससे क्या होगा कि आपका पेज और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिधर आप और लाइन भी टाइप कर सकते हैं तो ये मार्जिन आप तभी यूज़ कीजिएगा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको एक पेज पे कंटेंट सेट करने हैं आपको लगता है कि यार थोड़ी सी लाइन है वो दूसरे पेज पे चली जा रही है तो आप उस वक्त मार्जिन से एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन कम कीजिए आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा टाइपिंग का डेटा टाइप करने के लिए मार्जिन आप बढ़ा देंगे तो ये देखिए कंटेंट थोड़े से और नीचे आ जाएंगे और मार्जिन अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन में जाइए और यहाँ पे अगर आप टॉप का मार्जिन टू करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ और बॉटम का भी टू करते हैं लेफ्ट राइट का भी टू टू कीजिए चलिए ठीक है लेफ्ट राइट का भी टू टू कर दिया और ओके कर दिया तो अब आप देखेंगे लेफ्ट से कितना स्पेस है राइट से कितना स्पेस है और आपका आधा कंटेंट मतलब ज़्यादा आधे से ज़्यादा कंटेंट भी नीचे आ रहा है ना नेक्स्ट पेज पर आ रहा है तो क्योंकि यहाँ पे पेज पे टेक्स्ट टाइप करने के लिए जगह कम मिल रही है मार्जिन नहीं ज़्यादा जगह ली तो मार्जिन एक स्टैंडर्ड लुक होता है पेज का लेकिन ज़्यादा मार्जिन भी देखें मतलब नहीं है तो हम रखेंगे हमारा जो नॉर्मल मार्जिन था उसे सेट कर देंगे राइट तो अभी आप नैरो मार्जिन भी सेट कर सकते हैं जब आपको लगता है तो आप यहाँ पे मार्जिन सेट कीजिएगा एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा मार्जिन से रिलेटेड ही है और मार्जिन के अंदर ही जाकर करना है कस्टम मार्जिन में जाकर ही करेंगे यहां पे यह चीज ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की आज तक किसी ने गटर होता क्या ये गटर अब क्या होता है कि गटर दो ही पोजीशन पे आपको दिखाया गया यहाँ पे लेफ्ट और टॉप आपने नोटिस भी किया होगा अगर आप कहीं भी गए रहेंगे ये ऑप्शंस के अंदर तो नहीं गए रहेंगे तो मैं अभी बता रहा हूं गटर पोजीशन वो गटर नहीं जो रोड के साइड का गटर होता है राइट <laughs> तो हाँ मतलब मीनिंग कुछ ऐसे ही है जो कि रोड के साइड में एक्स्ट्रा स्पेस गटर लेता है वैसे तो यहाँ पे गटर क्या करता है कि आपको भाई एक्स्ट्रा स्पेस देता है देखिए मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन जीरो पॉइंट फाइव देख सकते हैं कि लेप में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ चुका है और डिजाइन दिख रहा है बाइंड तो right? करना चाहते हैं पे, है पेज को तो आपको लगता है कि यार मार्जिन मेरा कम ना हो जाए मार्जिन मुझे वैसे रहना चाहिए तो आप बाइंडिंग स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं एंड दैट इज वॉट गटर पोजिशन कस्टम मार्जिन में जाकर गटर पोजिशन ओके okay, सो so आपको एक नई बात पता चली होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर गटर पोजीशन इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो दे दो यार लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से राइट तो चलो ये बात तो आपको पता चली गटर क्या होता है अगर आप बाइंडिंग करना चाहते हैं तो आप मार्जिन के अंदर बाइंडिंग मतलब मार्जिन नहीं चली जानी चाहिए आपकी बाइंडिंग के अंदर आप चाहते हो तो आप यहां पे गटर पोजिशन रख दीजिएगा दैट्स इट ओके okay, मार्जिन के बारे में हमने समझ लिया कंट्रोल पी में हमने ये तीन चीजें जान ली ओरिएंटेशन पेज साइज और मार्जिन मार्जिन आप जो चाहिए वो सेट कर सकते हैं तो अब हमने जान लिया मार्जिन के बारे में अब आगे बढ़ते हैं यहां पे हम जानेंगे अभी पर पेज कितनी शीट प्रिंट होनी चाहिए एक पेज पे एक या एक पेज पे मतलब दो पेजेस एक ही पेज पे चार पेजेस प्रिंट होने चाहिए एक ही पेज पे छह पेजेस प्रिंट होने चाहिए अगर आप छः पेजेस चाहते हो तो छः चार चाहते हो चार चा। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा जब आप प्रिंट करोगे तो ये इफेक्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रिंट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन ये बस मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको राइट चलो ठीक है ये चार ऑप्शन हो गए ये हम प्रिंट करके भी देखेंगे याद रखिए लेकिन कुछ और ऑप्शन बाकी है इसलिए इसे होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए क्वालिटेड प्रिंटिंग के बारे में जरूर जानना चाहिए आपको और ये जरूरी होता है अब यहाँ पे कॉलेटेड प्रिंटिंग और अनकॉलेटेड ऐसे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कॉलेटेड एंड अनकॉलेटेड सो वट इज दीज ऑप्शन ये क्या करता है कॉलेटेड में यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको कि वन टू थ्री ऐसा प्रिंट होगा सपोज एग्जाम्पल ले लो मैं स्किप करता हूँ मेरे पास एक पेज नहीं ज्यादा पेजेस है मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर रहा हूँ इस पेज को और नीचे मैं एंटर करके पेश कर दूंगा पेस्ट 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 मेरे पास चार पेजेस है ये लास्ट वाला डिलीट कर देता हूँ ओके अगर आपके पास एक, एक एक्स्ट्रा पेज आता है देखिए एक्स्ट्रा पेज है यहाँ पे हेडर एंड फुटर भी है उसके ऊपर और ये ब्लैंक है तो इसे हटाना है तो इसे हटाने के लिए आप डिलीट बटन सिंपली प्रेस कीजिए या कभी कभार आपको बैक्सपेज भी प्रेस करना पड़ता है तो वो पेज हट जाता है याद रखिए ये सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप प्रिंट करते समय एक, एक एक्स्ट्रा पेज आपसे आ गया तो उसे कैसे हटाना है वो भी मैंने आपको बता दिया एक तो आप बैक्सपेज कर सकते हैं या डिलीट बटन यहाँ पे कर्सर नीचे रखना है नीचे के पेज पे डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं ये पेज हट रहा है तो मेरे पास चार पेजेस है अभी एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू प्रिंट कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास चार पेजेस है आपको पता है और मैंने क्वालिटेड प्रिंटिंग रखा है और मैंने नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दी मैंने आ, चार कॉपीज या पाँच कॉपीज निकालना चाह तो क्या होगा कि वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे जितने भी पेजेस है वन टू थ्री फोर चार ही पेजेस है मेरे पास तो चार पेजेस है तो वन टू थ्री फोर ये चारों प्रिंट होंगे ध्यान से सुनिएगा वन टू थ्री फोर चारों प्रिंट होंगे मैंने पांच कॉपी ऑर्डर दिया है ना तो फिर से वन टू थ्री फोर फिर से वन टू थ्री फोर फिर से वन टू थ्री फोर ऐसे एक एक सेट प्रिंट होगा अगर आपके पास दस पेजेस है और आपने पांच कॉपी दी है तो वन टू टेन पेजेस प्रिंट होंगे फिर से वन टू टेन वन टू टेन ऐसे सीरियली प्रिंट होते जाएंगे अगर आप अनकोलेटेड प्रिंटिंग रखते हो तो आपने पांच कॉपी रखी है आपके पेजेस से यहाँ पे चार तो पहले क्या होगा एक नंबर पेज की पांच कॉपी प्रिंट निकलेगी ध्यान से सुनिए फिर दो नंबर पेज की चार कॉपी निकलेगी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वन 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 प्रिंट होगा सो तो दो नंबर पेज की फिर तीन नंबर पेज की चार कॉपी पांच कॉपी पांच कॉपीज रखी हमने चार नंबर पेज की पांच कॉपीज ऐसे आपके दस पेजेस रहेंगे तो दस नंबर पेज की भी पांच कॉपी ऐसे एक एक करके पाँच पाँच कॉपी प्रिंट होती जाएगी जितनी कॉपी आपने रखी है तो ये कौन करता है अनकॉलेटेड ये दरअसल जेरोक्स वाले करते हैं अनकॉलेटेड आप जेरॉक्स वाले के पास गए और उसको बोला कि भाई ये आधार कार्ड का मुझे क्या करो तीन कॉपी दो तो वो क्या करेगा आधार कार्ड रखेगा और तीन कॉपी एक साथ ले लेगा पहले पेज के अगर फर्स्ट पेज का लेना है आधार कार्ड का और सेकेंड पेज का लेना है मतलब उसके एड्रेस का लेना है तो एड्रेस का फिर से वो क्या करेगा उसको रखेगा और तीन एक साथ लेगा वो एक साथ प्रिंट लेता है क्योंकि उसके पास टेम्पररी स्कैन होता है वो तो वो कोलेटेड नहीं करता है वो अनकोलेटेड प्रिंटिंग करता है अनकोलेटेड स्कैनिंग और प्रिंटिंग करता है आपको देता है क्योंकि उसके पास वो स्कैन होता है एक ही बार और स्कैन होने के बाद वो पूछता भी आपको इसकी कितनी कॉपीज दो क्योंकि वो बार बार एक एक कॉपी नहीं निकालते रहता लेकिन वर्ड में ऐसा है कि आप कोलेटेड करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पेजेस आपके टेन होंगे और फिर से वन टू टेन प्रिंट होंगे फिर से वन टू टेन जितनी अपनी कॉपी रखी होगी उतनी तो ये तो नंबर ऑफ कॉपीज भी आपको समझ में आया होगा और कॉलेटेड और अनकॉलेटेड डेफिनेटली आपको समझा होगा ट्राई करके भी देखिए आपके पास प्रिंट रहे तो खाली फुकड़ में पेजेस वेस्ट मत कीजिए मत ट्राई कीजिए मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही होगा लेकिन पेज बचाओ यार ट्रीज भी बचाओ तो इसीलिए मैंने अभी तक प्रिंट नहीं किया मैं एंडिंग में आपको एक बार ही प्रिंट करके दिखाऊंगा एक ही पेज पे बैक टू बैक पेज प्रिंट करके दिखाऊंगा पेजेस बचाऊंगा वहां पे मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं मैं ट्रीज बचा रहा हूँ राइट कंजूसी की बात कुछ अलग होती है लेकिन पेपर बचाना कुछ अलग है एक मैसेज मैंने दिया है तो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कोलेटेड और अनकोलेटेड क्या होता है प्रिंट वन साइडेड प्रिंट बोथ साइडेड प्रिंट ऑन बोथ साइडेड मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइडेड ओके सो वट आई एम गोइंग टू डू यूर ओके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको प्रिंट वन साइडेड क्या होता है यहाँ पे आपको पता चलेगा अगर आप ये रखेंगे और प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बस पेज एक ही साइड पे प्रिंट होगा अगर आपने दस कॉपीज रखी है तो सब एक ही साइड पे प्रिंट होगा बैक साइड में नहीं होगा लेकिन आप चाहते हैं यार दस पेजेस है और मैं पांच पेज पे ही प्रिंट करना चाहता हूँ बैक टू बैक तो आप इसे रखो प्रिंट ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे आप प्रिंट uh, के लिए मतलब आप प्रिंट करोगे और प्रिंट कमांड दोगे वैसे पहला पेज तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन सेकेंड पेज प्रिंट होने के पहले आपको फ्लिप के लिए मैसेज आएगा आपको पेज को फ्लिप करके डालना पड़ेगा फ्लिप उल्टा करके डालना पड़ेगा राइट right? जब आप फ्लिप करके डालोगे मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ फ्लिप करके डालना लॉन्ग एज से फ्लिप करना मतलब क्या आपने ऐसा प्रिंट किया तो कैसे फ्लिप करना है ये यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा है तो फ्लिप करके कैसे डालना है वो आपको डेफिनेटली समझा होगा ओके सो पेज को फ्लिप करके डालने के बाद वो सेकेंड पेज वहाँ पर प्रिंट करेगा सो गॉट इट आपको ये तो समझ में आया होगा प्रिंट क्या होता है वन साइड एंड एन ये तो आप कर सकते हैं आराम से अब कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो आपके ऊपर है आप वन कोमा आपके पास दस पेजेस हैं तो आप वन कोमा थ्री कोमा सेवन ये तीन ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वन कोमा थ्री कोमा सेवन इस तरह से आप दे सकते हैं आसानी से दे सकते हैं आराम से दे सकते हैं जो पेजेस आपको प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पे दे दो उतने ही पेज प्रिंट होंगे यहाँ पे याद रखो कोमा सेपरेट करता है पेजेस को और डैश कंटिन्यू करता है अगर आप सात से दस के पेजेस कंटिन्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहां पे हाइपन यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा सात आठ नौ दस कंटिन्यू प्रिंट होंगे राइट right? फिलहाल मुझे नहीं करने है print. Print ही रखने है। जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हो ना तो ऊपर क्या क्या आ रहा है कस्टम प्रिंट प्रिंट ऑल पेजेस या कस्टम प्रिंट ऐसे दो ऑप्शन आपको यहां पे मिलते हैं कस्टम प्रिंट ऑप्शन आपको मिलता है ओके okay, इसके अलावा इसमें और एक ऑप्शन आपको और दो ऑप्शन मिलते हैं प्रिंट ऑल पेजेस और इवन तो अगर आप इवन रखते हो तो दो नंबर चार नंबर छः नंबर आठ नंबर ऐसे प्रिंट होगा और अगर रखते हो तो वन थ्री फाइव सेवन ऐसा प्रिंट होगा अब इसका यूज क्या होता है अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये करो बोथ साइड ये मत करो अब ये रखो वन साइड ही रखो और आप क्या करो आपके दस पेजेस है दस के दस पेजेस आपने रखे हैं प्रिंट के लिए यहाँ पे दस पेजेस है अब आपको क्या करना है सिंपल है यहाँ पे जाकर खाली प्रिंट और पेजेस पहले प्रिंट कर लेना है और पेजेस और यहां पे प्रिंट कर देना है सारे और पेजेस प्रिंट होंगे पेजेस के एक साइड में राइट right? पहला पेज जाएगा उसमें और पेज प्रिंट होगा फिर दूसरा पेज जाएगा उसमें और पेज प्रिंट होगा वन थ्री फाइव सेवन ऐसे प्रिंट होंगे जितने भी अब सभी पेजेस को एक साथ फ्लिप करके डालो उल्टा करके करो उल्टा करके डाल दो फ्लिप करके जैसे मैंने फ्लिप दिखाया था आपको वैसे और फ्लिप करके डालने के, के बाद आपको क्या करना है सभी पेजेस को आपने फ्लिप कर लिया अब आपको जाना है यहाँ पे प्रिंट इवन पेजेस को प्रिंट करना है तो इसमें क्या होगा उसके बैक साइड में इवन पेजेस प्रिंट होंगे समझ में आए ना आपको लेकिन एक बात याद रखिएगा जो पेजेस प्रॉपर रखने हैं आपको वन पेज वन नंबर का पेज जहाँ पे प्रिंट हो गया उसके पीछे बैक बैक साइड में दो नंबर का पेज प्रिंट होना चाहिए नहीं तो आपके पेजेस बहुत वेस्ट हो जाएंगे इसलिए एक ट्रायल करके पहले देख लो चाहिए तो छोटा सा एक दो तीन प्रिंट पर फिर आप लार्ज प्रिंट निकालो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब इधर उधर आ जाएगा प्रिंट तो प्रॉब्लम हो जाएगा राइट ना ओके तो ठीक है ये आपको पता चला कि भाई कैसे है हा वैसे प्रिंट बीच में बंद करके कैंसिल प्रिंटिंग कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं बने रहेगा वीडियो में बड़ा है लेकिन काम का है और बड़ी चीजें हमेशा काम की होती है मैं किसकी बात कर रहा हूं प्रिंट की ओके सो प्रिंट के ऑप्शन की बात कर रहा हूं यहां पे आगे का ऑप्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है प्रिंटर सेटिंग्स अब आपको प्रिंटर पहले कनेक्ट करके रखना है आपके कंप्यूटर को तो ये रेडी लिख के आएगा मतलब कनेक्ट है और चालू भी है तो रेडी इसमें तीन स्टेटस रहते हैं रेडी बिजी और ऑफलाइन अब ऑफलाइन स्टेटस कब आता है सिंपल है जब आपका प्रिंटर बंद है आपका प्रिंटर बंद है तो ऑफलाइन लिख के आएगा आपका प्रिंटर चालू है तो रेडी लिख के आएगा लेकिन बिजी कब आएगा जब आपका प्रिंटर नेटवर्क में है और दस लोग एक साथ काम करे और किसी और ने प्रिंट दिया है वहां से वो प्रिंटर चालू है तो आपको बिजी बताएगा बिजी स्टेटस भाई बिजी है बाद में प्रिंट करो राइट तो आप जब तक रेडी नहीं तब तक उसे सिलेक्ट मत कीजिएगा रेडी है तो सिलेक्ट कीजिएगा प्रिंटर को अब यहाँ पे जो प्रिंटर सिलेक्टेड उसके आगे ग्रीन टेक ये है कि ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा रेडी राइट आपके पास अगर दो प्रिंटर हो और आप सेकेंड प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिंटर्स की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको मैं प्रिंटर सेटिंग्स दिखाना चाहूँगा मैं प्रिंटर टाइप करूँगा सर्च बॉक्स में और प्रिंटर एंड स्कैनर सेटिंग्स आ जाएगी ओके okay, विंडोज 10 में ऐसा था विंडोज 7 में भी आप सर्च में टाइप करके ले सकते हैं यहाँ पे आपको मेरा प्रिंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट सेटिंग्स कैसे लानी है, मैं आपको दिखाता हूँ और विंडोज 10 में तो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट सेट कर विंडोज 7 में राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं प्रिंटर का नाम दिखते ही यहाँ पे मैनेज में जाकर यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रिफ्रेंस में डिफ़ॉल्ट रखना है इसे ये रहा डिफ़ॉल्ट है ना ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहनी चाहिए और इस सेटिंग्स की और भी जरूरत है इसे हम यहाँ पे रख देते हैं इस पेज को आगे मैं बताऊँगा क्या करना है उससे तो पहले तो आपको पता चला कि ये डिफॉल्ट मतलब कि ग्रीन मतलब क्या होता है टिक और रेडी मतलब क्या होता है अब ये रेडी है तो आप यहाँ पे प्रिंट करने के लिए रेडी हो तो आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है रेडी प्रिंटर है सिलेक्ट कीजिए प्रिंट कीजिए अच्छा आपको प्रिंटर इंस्टॉल ये प्रिंटर का नाम ही नहीं आ रहा है आपने कनेक्ट किया है तो आपका प्रिंटर का ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कैसे करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर बनाने वालों जल्दी अपलोड कर दूंगा कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल नहीं पता आपको सब्सक्राइब कीजिएगा यार उसे उसमें आएंगे हार्डवेयर की वीडियोज जो कि आपके काम के रहेंगे राइट तो फिलहाल तो आपको मैं बताऊं कि पता चला होगा कि प्रिंटर कैसे सिलेक्ट करना है अब अपने प्रिंट ऑर्डर दे दिया आपने नंबर ऑफ कॉपीज़ देने तो दे दो जितनी कॉपीज करनी है आपको कर लीजिए और प्रिंट दे दिया प्रिंट ऑर्डर देने के बाद प्रिंट चालू हो जाएगा आपके चार पेजेस प्रिंट निकालना चालू होगी लेकिन तुरंत आपको पता चला कि यार नहीं 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 ये प्रिंट नहीं करना है गलत प्रिंट हो गया कुछ तो गड़बड़ है इसमें कुछ एडिट करना है कुछ भी ऐसा हो गया आपके पास ने बोला ये प्रिंटिंग कैंसिल करो राइट तो प्रिंटिंग कैंसिल करो उसने बोला आपने गलत प्रिंट होने के पहले आपको बचना है आपके बॉस की डाट आपको नहीं खानी है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी तो तुरंत प्रिंटर का बटन बंद कर दो पहले तो या फिर प्रिंटर की वायर निकाल दो जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है इन दोनों में से एक करो पहले जाकर फटाक से क्योंकि वो प्रिंटर क्या होगा फिर प्रिंट करने के लिए बंद कर देगा प्रिंटर का बटन बंद करना है प्रिंटर की वायर निकालना है चाहे तो एक दोनों में से कुछ भी एक कर लो यूएसबी जो लगाई रहती है कंप्यूटर को हटा दो और उसके बाद करना क्या है जो प्रिंटर सेटिंग्स मैंने ओपन की थे ना उसमें आपको आना है और उसके अंदर यहां पे ओपन प्रिंट क्यू करके ऑप्शन मिल जाता है आपको ऊपर ही राइट ओपन प्रिंट क्यू जैसे आप ये क्लिक करोगे ये ऑप्शन मिल जाएगा देखिए डॉक्यूमेंट नहीं विंडोज सेवन में भी आप प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए डायरेक्टली आपको वर्ड्स uh, प्रिंटिंग करके ऑप्शन आता है वहां पे वर्ड्स प्रिंटिंग या राइट right क्लिक करके देखेंगे तो वर्ड्स प्रिंटिंग उस पर क्लिक कीजिए विंडोज सेवन में तो यहां पे आपको ये आ रहा है एच पी लेजर जेट वन जीरो टू जीरो और कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है फिलहाल लेकिन यहाँ पे प्रिंटर का स्टेटस बताएगा जो भी प्रिंट हो रहा है जो भी आपने प्रिंट दिया है वो प्रिंट यहाँ पे बताएगा और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक मिनट मेरा प्रिंटर चालू है मैं प्रिंटर बंद कर देता हूँ पहले अब मैंने प्रिंटर बंद किया है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑफलाइन स्टेटस आ रहा है अभी दिखाई दे रहा है ऑफलाइन स्टेटस आ रहा है और गलती से ये मैंने चारों पेज अभी मैं अब भाई मैं बिंदास प्रिंट दे सकता हूँ मैं प्रिंट वैसे भी निकालने वाला हूँ प्रिंटर बंद है लेकिन मैंने प्रिंट दे दिया है यहाँ से यहाँ से प्रिंट यह चला गया लेकिन ये प्रिंट कभी होगा जैसे प्रिंटर चालू हो जाएगा वैसे प्रिंट करना चालू हो जाएगा क्योंकि आपने प्रिंटर को ऑर्डर देकर रखा है कि भाई जैसे ही मतलब ऑफलाइन है अभी मैंने ये प्रिंट दे दिया है अभी ओपन प्रिंट क्यों में आएंगे आप तो यहाँ पर दिखाई देगा देखिए राइट आपके पास वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ है जो प्रिंट होने वाला है और ये प्रिंट करना है तो आप जैसे प्रिंटर चालू करोगे तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन नहीं चाहिए प्रिंट नहीं करना है इसमें तो जितने भी ऑफलाइन में ऑर्डर दिए वो सारे इधर आते हैं आप प्रिंटर बंद कर दोगे तो भी आपको ऑफलाइन ही हो जाएगा जैसे आपने प्रिंट ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको आप राइट क्लिक करके आप कैंसिल कीजिए राइट और ये प्रिंट नहीं हो रहा है तो यहाँ से दोबारा रिस्टार्ट भी कर सकते हैं अगर अपने प्रिंटर चालू किया और प्रिंट नहीं हो रहा तो रिस्टार्ट कीजिए तो यहाँ से कैंसिल कीजिए यस कीजिए ये स्टेटस हमेशा प्रिंट करने के पहले चेक कीजिए प्रिंटर में जाकर ये स्टेटस देखिए कि भाई किसी ने ऑलरेडी ऑर्डर तो नहीं दिए प्रिंटर चालू करने पहले यह स्टेटस देखिए बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है प्रिंटर चालू करते ही प्रिंट होना चालू होते हैं दर, दर 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 मेरे क्लास में ऐसा होता था जब स्टूडेंट उस कंप्यूटर पर प्रैक्टिस के लिए बैठते थे जिस कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है तो फिर मैंने ये काम ही कर दिया कि प्रिंटर का वहाँ पर यूज़ निकाल दिया और जब भी मैं जरूरी पड़ता था तभी मैं क्या करता था उसे प्रिंट करने के लिए लगा कि पहले ये स्टेटस चेक करता था कि भाई स्टूडेंट ने कुछ प्रिंट करने के लिए दिया तो नहीं है राइट और यहाँ पर भी सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर के ऑप्शन आ रहा है आपके लिए ये प्रिंटर आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं आपके पास दो प्रिंटर है इसमें से ये प्रिंटर डिफॉल्ट सेट करना है जो कि डिफॉल्ट प्रिंटर सेट करना मतलब क्या कि वर्ड के अंदर आते ही आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कंट्रोल पी करते वही प्रिंटर यहाँ पे दिखना चाहिए बार बार प्रिंटर सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े उसे डिफॉल्ट बोलते हैं या ग्रीन चेक बोलते हैं क्लियर तो आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली पता चली होगी कि ओपन प्रिंट क्यू में आप यहाँ पे जितने भी प्रिंट एक के नीचे एक आ जाएंगे जितने भी प्रिंट ऑर्डर देंगे आपने दो बार ऑर्डर दिया रहेगा ये प्रिंटर अभी भी ऑफलाइन है मैं यहाँ पे पहली बार ऑर्डर दे चुका हूँ मुझे याद नहीं फिर मैं दूसरे दिन आ गया और फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऑफलाइन प्रिंटर है और यहाँ पर वैसे भी वो बताता भी है आपको वन डॉक्यूमेंट वेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स वेटिंग अगर आपने ध्यान से देखा तो ठीक है और अगर आप यहाँ पर आते हो सेटिंग्स में और यहाँ पर ओपन प्रिंट क्यू में आते हो तो ये देखिए कितने डॉक्यूमेंट बैठेंगे एंड सारे के सारे कैंसिल करना है आपको या एक किसी को कैंसिल करना है तो राइट क्लिक करें उसके ऊपर कैंसिल कीजिए यस कीजिए सब कैंसिल करना है तो मैं सब यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट ये तो आपको डेफिनेटली समझा होगा प्रिंट सेटिंग्स के अंदर ये क्या करना है प्रिंटर आपका सर्च कर लेना है इधर से है, और उसकी सेटिंग्स में जाकर आप ये चीज़ें कर सकते हैं गॉड इट गाइड्स तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको शेयर किया आपके साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये भी देखेंगे हम कि एक पेज के ऊपर कितनी सीट कैसे प्रिंट हो रही है वो भी हम देखेंगे ओके तो यहाँ पे ही हमारा पेज है पहले देखते हैं पेजेस कितने मेरे पास चार पेजेस है और है क्या पेज के ऊपर लिखा हुआ जरा देखिए वेलकम टू लर्न मो प्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवास अच्छा ये लर्न मो प्रो क्या है इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा ये है हमारी एक वेबसाइट जिसके ऊपर चल रहे कोर्सेस के ऑफर नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंटेज ऑफर है जी हाँ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स कोर्सेस में क्लिक करते आपको सारे कोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फुल कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे फिलहाल तो ये वन नाइन्टी नाइन में आगे पता नहीं कितना प्राइस होगा इसका ये ऑफर में चल रहा है फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली ये सारे टूटोरियल अनलॉक हो जाएंगे अगर आप ये खरीदते हो ये कोर्स तो तो बढ़िया है अगर ये कोर्स खरीदे तो आपको टेस्ट अटेंड करने के लिए मिलेगा आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा राइट टेस्ट अटेंड करने मिलेगा वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे डाउनलोड ऑल कोर्स फॉर लाइफ टाइम यूज वाओ लाइफ टाइम यूज़ के लिए मिलेगा ये कोर्सेस सारे के सारे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की आप आराम से पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने लगभग छः घंटे का ये ट्यूटोरियल है ये यहाँ पर अपलोड किया है और वैसे ही आप ढेर सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं पावर पॉइंट कोर्स तो वैसे मेरी साइट पर फ्री है वेबसाइट पर जाकर आप इनल कीजिए ओके पावर पॉइंट कोर्स यहाँ पे फ्री मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है जो भी एक्सेल कोर्स आपको पूरा चाहिए मास्टरी करना है एक्सेल में एम में मास्टरी करना है फोटोशॉप में मास्टरी करना है तो सारे कोर्स यहाँ पे है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है आपको पता नहीं कैसे इनरोल करना है तो उसके लिए भी मैंने सपोर्ट पेज पर पे वीडियोज़ रखे हैं जो कि आप पहले ये वीडियोज़ देखिए कि हाउ टू बाय कोर्स वाई शुड यू बाय क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में कैसे मिलेगा सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है एंड हाउ टू डाउनलोड वीडियोज़ एंड प्रैक्टिस फाइल कुछ इशू आ गया तो मेरा व्हाट्सअप डिटेल्स भी है फिलहाल आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको मेरी जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें ये वेबसाइट पे ऑटोमेट रखी है मैंने सारा प्रॉपरली काम किया इस वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको जैसे आप पेमेंट करोगे इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा 24 फोर आवर्स एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोडिंग है और टेस्ट भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं दस बार अटेंड कर सकते हैं टेस्ट में एक ही बार पास होना है दस में से और तुरंत कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा टेस्ट अटेंड करने के लिए पहले डेमो टेस्ट के आंसर्स भी दिए मतलब डेमो क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको अवेलेबल करके मैंने दिए हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको ऑफर में मैंने की है और नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफर चल रहा है मेरी इस वेबसाइट पे लर्न मरफोर डॉट कॉम इसका नाम है आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है आपके लिए विजिट कीजिएगा और जैसे आप विजिट करते हो आपके सामने एक नोटिफिकेशन ऑप्शन भी आता है इस वेबसाइट का नोटिफिकेशन इनेबल करके रखिए जो भी वेबसाइट पे नए नए ऑफर आएंगे आपको पता चल जाएंगे तो नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी चेक करके रखिए यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन आइकॉन आ जाएगा जैसे वेबसाइट पे विजिट करते हो तो गेट नोटिफिकेशन फॉर्म लर्न मोप्रो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर ऑफर में कोई कोर्स आपको मिल रहा है आगे चलकर नया कोर्स लॉन्च होता है तो ओके सो काइंडली चेक इट आउट दैट पावर पॉइंट कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा वो तो फ्री में ही है राइट तो मैंने ये बता दिया आपको लर्न मोप्रो के बारे में फिलहाल अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँगा चार पेजेस है लेकिन चारों पेजेस का मैं एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फोर पेजेस पर शीट करता हूँ सिंगल पेज कैसे प्रिंट होगा ये मैं आपको डायरेक्टली प्रीव्यू में दिखाता हूँ ये प्रिंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने प्रिंट कर लिया है ऑलरेडी पहले से तो ये इस तरह से सिंगल पेज प्रिंट हो रहा है लेकिन अभी एक पेज पे मैं अगर चार पेजेस रखता हूं चार पेजेस मेरे वन टू थ्री फोर चारों पेजेस तो ये प्रिंट कैसे होगा ये मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं ओ सॉरी मैंने प्रिंटर चालू नहीं किया अभी प्रिंटर चालू कर देता हूं तो यहां पे अभी मेरा प्रिंटर रेडी आ चुका है यानी कि प्रिंटर चालू हो गया मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहां पे हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इवन पेज रखा है तभी तो वहाँ पे टू पेजेस ही प्रिंट करके आ रहा था राइट इवन पेज रखा है मेरे चार पेजेस है इवन पेज हम हटा देते हैं यहाँ पे ये हटा दो नहीं तो क्या होगा पता है ना आपको प्रिंटर होल थिंग नहीं तो आपको दो ही पेज प्रिंट मिलेंगे बस तो फोर पेजेस पर शीट रखे और यहाँ पे इवन हटा दिया मैंने और अब मैं प्रिंट करता हूं तो आपको कितने पेजेस मिलने वाले एक साथ एक ही पेज पे चार तो चलिए मैं प्रिंट बटन पर अभी क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो जैसे मैंने प्रिंट बटन पर क्लिक किया मेरा प्रिंटर ने काम चालू किया आपको शायद आवाज बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी और यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है और प्रिंट का प्रीव्यू मैं आपको ज़रा अलग सा शूट करके दिखा रहा हूँ ये एक ही पेज पे चार पेज प्रिंट हो चुके हैं हाँ एक मिनी जेरोक्स के लिए काम आ जाएगा और मिनी जेरोक्स आप कहाँ पे काम में आता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं ये मत बताना सर एग्ज़ाम में कॉपी करने के लिए हम यूज़ करेंगे बिल्कुल नहीं यूज करना दोस्तों लेकिन आप ये मिनी जॉरॉक्स पढ़ाई के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं जहां पे आपको आरती का बुक वगैरह बनाना है या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको छोटे लेवल पे प्रिंट करनी तो आप ये मिनी जॉरॉक्स यूज कर सकते हैं बिंदास यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये प्रिंट कैसे होगा ये सारी चीजें यहां पर लगभग मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है प्रिंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स रहती है वो सारी की सारी मैंने एक ही वीडियो में यहां पर बताने की कोशिश आपको की है उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स खरीदना है एक्सेल का कोर्स खरीदना है या ढेर सारे कोर्स आपको खरीदने तो मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए साथ ही में, में मेरे जितने भी चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपके लिए आप विजिट कर सकते हैं लर्न मोर के अलावा रियल ट्यूटोरियल है जिसके ऊपर फोटोशॉप करोल रॉकी की वीडियोज आते हैं हमारा कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है हमारा क्यूरियासिटी एक चैनल है जिसमें आपके लिए बहुत काम की चीजें मिलेगी जाके चेक करना खुद ही टैली ट्यूटोरियल भी चैनल है और भी चैनल बनाएंगे अगर हमें वक्त मिला तो आपके लिए जरूर बनाऊंगा मैं तो ये था आज का एक कंप्लीट वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोफेशनल प्रिंटिंग से रिलेटेड कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सीखते रहो सिखाते रहो बाय बाय गाइड्स